सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए नमस्कार मेरा नाम मुकुल है और में आपका स्वागत है दोस्तों आपने से काफी सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एक पीपीएफ अकाउंट के ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाऊं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यह एक रिस्क फ्री और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है लेकिन इसके साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं तो इस वीडियो में हम बेनिफिट्स और लिमिटेशंस दोनों के बारे में बात करेंगे साथ में हम सारे फीचर्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पीपीएफ अकाउंट के उनमें से हो सकता है कुछ आपको मालूम हो और कुछ ना मालूम हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए जिससे आपको एक पीपीएफ अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए फीचर्स के बारे में बात करने से पहले हम पीपीएफ अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में ही जान लेते हैं इसके तीन मेजर बेनिफिट्स हैं पहला कि ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं आप इसको क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड होता है दूसरा यह एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है यानी कि जितना भी आप इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है यानी कि जब आप 15 साल बाद 20 साल बाद मेच्योरिटी के बाद पैसा निकालेंगे तो जितना भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे या इवन बीच में भी अगर आप पैसा निकालते हैं तो जितना भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है अदरवाइज हम जितने भी बाकी के इन्वेस्टमेंट कहते हैं जैसे कि आपकी फिक्स डिपोजिट हो गई वो भी एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है लेकिन उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ता है कुछ टैक्स फ्री एफडीज़ भी होती हैं लेकिन उनके अंदर लॉक इन पीरियड होता है पांच साल का तो पीपीएफ अकाउंट के अंदर भी लॉक इन पीरियड जरूर होता है लेकिन यहां पे आपको इंटरेस्ट रेट एफडी से बेटर मिलता है और तीसरा इसका बड़ा बेनिफिट है कि इसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है अंडर सेक्शन एट्टी सी तो डेढ़ लाख तक की इन्वेस्टमेंट पे क्योंकि आपको के अंदर रिबेट मिलती है तो आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर भी डेढ़ लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पूरे अमाउंट पे आपको एटीसी के अंदर टैक्स रिबेट मिलेगी चलिए अब हम फीचर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है तो कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल इंडियन अकाउंट खोल सकता है पीपीएफ का और वो एक पर्सन एक ही अकाउंट खोल सकता है यानी कि अगर आपने एक बैंक में अकाउंट खोल लिया तो आप दूसरे बैंक में जाके दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकते हैं हाँ, आप उस अकाउंट को ट्रांसफर जरूर करा सकते हैं और दूसरा अगर आप किसी माइनर के लिए अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो भी आप खोल सकते हैं आप उसके अंदर भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं लेकिन माइनर अकाउंट को कोई पेरेंट ही ऑपरेट कर सकता है तो इस बात का भी आप ख्याल रखिए और तीसरी बात कि एनआरआई अब पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं बाई चांस अगर आप एनआरआई स्टेटस होने से पहले पीपीएफ अकाउंट खोल चुके हैं तो आप उसको ऑपरेट जरूर कर सकते हैं पंद्रह साल के लिए लेकिन उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है अब सवाल उठता है कि आप ये अकाउंट कहां खोल सकते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं या फिर जितने भी ऑथोराइज बैंक है ज्यादातर जितने भी पॉपुलर बैंक है आपके चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो एस है पी है या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो आईसीआईसीआई एच डी एफ सी एक्सिस बैंक आई इन सब के अंदर भी आप अकाउंट खोल सकते हैं अब दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है कि आप कितना पैसा डाल सकते हैं और वो कैसे डाल सकते हैं तो यहां पे आप मिनिमम फाइव हंड्रेड रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप डेढ़ लाख तक डाल सकते हैं डेढ़ लाख के ऊपर अगर आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर पैसा डालते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां जानने वाली यह है कि अगर आपने कोई माइनर अकाउंट भी खोल रखा है मान लीजिए आपके कोई बच्चे का अकाउंट है जिसको आप ऑपरेट करते हैं तो दोनों अकाउंट्स को मिला के ही आप डेढ़ लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप ये पैसा कैसे डाल सकते हैं आप मंथली इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं क्वार्टरली डाल सकते हैं हाफ ईयरली डाल सकते हैं या एनुअली भी डाल सकते हैं तो मिनिमम एक और मैक्सिमम बारह इंस्टॉलमेंट आप हर साल यहां पैसा आपको कैसे डालना है आप कैश से भी डाल सकते हैं चेक से भी डाल सकते हैं डीडी से भी डाल सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं मेच्योरिटी पीरियड की ये क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है यहां पे आपको मिनिमम पंद्रह साल के लिए इन्वेस्ट करना होता है तो पंद्रह साल का आपका लॉक इन पीरियड होता है उसके बाद आपको पांच पांच साल की एक्सटेंशन मिल जाती है तो ब्लॉक ऑफ फाइव उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं, होते हैं। मान लीजिए अगर आपने जुलाई में किसी साल में इन्वेस्ट किया तो वो वाला फाइनेंशियल ईयर काउंट नहीं होगा लेट से अगर आपने एक जुलाई दो को इन्वेस्ट किया तो 2019-20 वाला फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट नहीं होगा उसकी कैलकुलेशन में और आपका जो एक्चुअल पीरियड स्टार्ट होगा वो फर्स्ट अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और जो एंड होगा पंद्रह साल का पीरियड वो 31 मार्च 2035 में एंड होगा चलिए अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की आज की डेट में आठ परसेंट आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है लेकिन ये फ्लक्चुएट होता रहता है इंटरेस्ट रेट मार्केट पर डिपेंड करता है और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये क्वार्टरली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो पिछले पंद्रह साल का मैं कहूं तो साढ़े से लेकर नौ तक यह फ्लक्चुएट हुआ है जितना मैंने देखा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह आपको एफ से बेटर रिटर्न देगा और दूसरा फायदा तो हमने पहले बात करी ली कि यह रिस्क फ्री और टैक्स फ्री भी है तो यहां पे आपको पीपीएफ का लॉन्ग टर्म में बेनिफिट डेफिनेटली होता है और यह इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन कैसे होती है पहली बात तो आप यह जान लीजिए कि यह मंथली कंपाउंडिंग होती है कि आपका हर महीने जितना अमाउंट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता जाएगा और किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा फिफ्थ ऑफ एवरी मंथ से लेके लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ तक जो भी मिनिमम अमाउंट होगा उस पर आपका टैक्स लगेगा तो अगर आपने पांच से लेकर तीस तारीख तक अगर कुछ अमाउंट डाला है तो उस पर तो तो पूरे महीने का इंटरेस्ट मिलता है तो इसके रेपरकेशन क्या हो सकते हैं मान लीजिए अगर आपने किसी फाइनेंशियल जनवरी या फेब्रवरी में आपने पैसा डाला तो आपको खाली वो एक दो महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन अगर आप अप्रैल में डाल देते हैं पैसा एक से 5 तक एक अप्रैल से पांच अप्रैल तक पैसा डाल देते हैं तो आपको पूरे साल का वहां पे इंटरेस्ट रेट मिलता है चलिए इंटरेस्ट की बात बात हो गई अब हम बात करते हैं कि अकाउंट हमें खोलना कैसे है तो इसके दो तरीके हैं एक तो आप किसी भी ऑथोराइज बैंक की ब्रांच में विजिट कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस को विजिट कर सकते हैं वहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने होते हैं एक होता है आपका फॉर्म ए जो आपकी पीपीएफ अकाउंट की एप्लीकेशन होती है वो आप फिल करके दे देंगे उसके अलावा आपके दो फोटोग्राफ्स लग जाते हैं और बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो आपको एक नॉर्मल बैंक अकाउंट के लिए देने होते हैं वो आपको यहाँ पे भी लग जाते हैं जैसे कि पैन एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ और दूसरा आसान तरीका है कि आज की डेट में आप ऑनलाइन भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं अगर आपका किसी ऑथराइज बैंक में ऑलरेडी अकाउंट है बैंक अकाउंट तो आप अपने जब ऑनलाइन पोर्टल में जाएंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉर एक्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक में आपको पीपीएफ अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे और आप अपना अकाउंट वहां पे क्लिक करके इंस्टेंटली खोल सकते हैं क्योंकि वहां पे आपका केवाईसी ऑलरेडी हो चुका होता है चलिए अब हम बात करते हैं प्री प्रीमेच्योर विड्रॉल की अगर आपको रिक्वायरमेंट पंद्रह साल से पहले ही आ जाती है कुछ आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं एक तो है आपके पास लोन का ऑप्शन थर्ड फाइनेंशियल ईयर से लेकर सिक्स फाइनेंशियल ईयर तक जब आपने अकाउंट ओपन किया है तब आप लोन ले सकते हैं वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होता है वो आपके पीपीएफ अकाउंट में जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उससे एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिक्स ईयर के बाद आती है लेट से सेवेंथ ईयर से लेकर फिफ्टी ईयर तक की आपकी रिक्वायरमेंट है उस केस में आपको पार्शल विड्रॉल की फैसिलिटी मिल जाती है सेवन्थ ईयर ऑनवर्ड्स आप पार्शल विड्रॉल कर सकते हैं अब ये लिमिट्स कितनी होती हैं लोन्स की और पार्शल विड्रॉल की इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कभी

इसके एंड तक आप लोन ले सकते हैं तो एक अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2025 तक आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है उसके बाद आपकी अगर रिक्वायरमेंट आती है तो ईयर ऑनवर्ड्स अप टू सेवेंथर या अपर ईयर आपको पार्शियल विद्रॉल की फैसिलिटी मिल जाती है अभी सिक्सटीन ईयर क्यों कह रहा हूं मैं इस पर आता हूं पार्शियल विड्रॉल आपका जैसे हो गया आपका सेवेंथ ईयर कौन सा हो गया 2025-26 आपका सेवन फाइनेंशियल ईयर हो गया जब आपने अकाउंट खोला था वहां से लेके तो एक अप्रैल 2025 से लेके आप जब भी अपना पूरा टेन्योर होगा उस टाइम तक आप के लिखा है, तो मैंने आपको पहले कहा था इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आपका कैलकुलेट नहीं होता है आपको पंद्रह फुलर पूरे करने होते हैं तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर से 16th तक आपको पूरा का पूरा इन्वेस्टेड रहना होगा कम से कम लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इंटरेस्ट आपको यहां पे भी मिलेगा तो इंटरेस्ट जो है आपको यहां पे जुलाई से लेके 31 मार्च तक का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा और ये आपको लेट से 15.75 इयर्स के लिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको ये 15.75 इयर्स के लिए पूरा इंटरेस्ट मिलेगा चलिए इसके अलावा हम और बाकी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट को किसी भी डेट और लाइबिलिटी के अगेंस्ट अटैच नहीं किया जा सकता है मान लीजिए आपके ऊपर काफी उधार चढ़ गया है तो कोर्ट भी ये डायरेक्शन नहीं देगी कि आप पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल के पेमेंट कीजिए आपकी चाहे बैंक होने की भी नौबत आ जाए तो ये पीपीएफ अकाउंट हमेशा आपके लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि आपके रिटायरमेंट के गोल्स पूरे हो सके बच्चों की मैरिज एजुकेशन सीरियस इलनेस इसके लिए पीपीएफ अकाउंट रखा जाता है तो इसको अटैच नहीं किया जा सकता है किसी भी डेट और लाइबिलिटी के अगेन और बाई चांस आप पीपीएफ अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं लेट से आप पांच रुपए जो मिनिमम फाइनेंशियल ईयर में भरने हैं वो भी अगर आप नहीं भर रहे हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है और अगर आप चाहते हैं उसको रिवाइव करना तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं आपको थोड़ी सी पेनल्टी भरनी होती है जितने भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने पेमेंट नहीं की है मिनिमम पांच जो फर, पर फाइनेंशियल ईयर आपको करनी होती है वो वाली सारी पेमेंट करनी होगी पहले तो कि मान लीजिए अगर आपका पांच साल तक इनएक्टिव रहा है अकाउंट तो पांच सौ यानी कि ढाई रुपए आपको वो अरियर्स भरने पड़ेंगे प्लस आपको पेनल्टी देनी होगी पचास रुपए पर फाइनेंशियल ईयर की तो ढाई सौ रुपए आपके वो लग जाएंगे और मान लीजिए आप पीपीएफ अकाउंट को प्री क्लोज करना चाहते हैं आप उसको पंद्रह साल के लिए भी मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे केस में सिर्फ दो ही कंडीशन में आप प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हैं पहली बात तो मिनिमम पांच साल आपके पूरे हो जाने चाहिए पांच साल के बाद ही आप क्लोज कर सकते हैं और दूसरी बात यहां पे खाली आप दो कंडीशंस के अंदर ही क्लोज कर सकते हैं पहली तो सीरियस इलनेस ऑफ एनी फैमिली मेंबर अगर वो हो जाती है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं और आप पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर पाएंगे और दूसरी होती है हायर एजुकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर हायर एजुकेशन मतलब या तो आप खुद हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आप क्लोज कर सकते हैं या फिर अगर आप कोई अकाउंट माइनर के लिए ऑपरेट कर रहे हैं अपने किसी बच्चे के लिए ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका जो अकाउंट होल्डर है वो माइनर अगर किसी हायर एजुकेशन के लिए जाता है तो वो भी क्लोज कर सकते हैं आप अकाउंट और दूसरी बात आपको यहां पे ध्यान ये रखनी है कि अगर आप प्रीमेच्योर क्लोज करते हैं तो आपको एक परसेंट की इंटरेस्ट रेट पे पेनल्टी लग जाती है तो अगर आपका मान लीजिए आठ परसेंट का इंटरेस्ट रेट था तो आपको वो सात परसेंट ही मिलेगा और अगर मान लीजिए आप अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं किसी भी बैंक की दूसरी ब्रांच में कर सकते हैं या फिर अगर आप बैंक भी चेंज कराना चाहते हैं बैंक भी चेंज हो सकता है और अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है चलिए अब हमने सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स की तो बात कर ली एक बार क्विकली हम कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में लट से आप अगर हर महीने कुछ पैसा डालते हैं या हर साल कुछ पैसा डालते हैं तो वो कितना बन जाता है मेच्योरिटी आफ्टर लेट से 15 ईयर्स या 20 ट्वेंटी जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड है ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पीपीएफ कैलकुलेटर बनाया है सिंपल सा बनाया है ये मंथली कैलकुलेशंस के लिए बनाया मैंने अगर आप हर महीने कुछ पैसा डालते हैं पीपीएफ अकाउंट में तो उसका मेच्योरिटी अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे येलो सेक्शन के अंदर आप अपने सारे इनपुट्स डाल देंगे सबसे पहले आप इंटरेस्ट रेट डाल देंगे पीपीएफ का जो भी अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है पीरियड डाल देंगे पंद्रह साल जैसे मैंने यहां पे मिनिमम लिया है आप 20 साल 25 साल भी ले सकते हैं क्योंकि पांच पांच साल के लिए आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं डिपॉजिट आप कितना कराना चाहते हैं हर महीने वो आप यहां पे अमाउंट डाल देंगे तो यहां मैंने दस हजार का पर मंथ अमाउंट लिया है पंद्रह साल के लिए तो पंद्रह साल के बाद यह हमारा अमाउंट बन जाएगा चौंतीस इसके लिए मैंने यहां पर यह फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज किया है अब ये मैंने खाली मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए कैलकुलेटर बनाया है इसे आप एनुअल या फिर क्वार्टरली हाफ ईयरली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली उसके लिए आपको फ्यूचर वैल्यू में यहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे अब वो फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं अदरवाइज आप वो कैलकुलेशंस करना भी चाहते हैं क्विकली आप खुद कैलकुलेटर नहीं बनाना चाहते हैं। तो आपको ऑनलाइन भी काफी सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे अब क्योंकि पीपीएफ में ज्यादातर लोग मंथली प्रेफर करते हैं पैसा डालना तो मैंने यहां पर एक सिंपल सा ये कैलकुलेटर बना दिया है हर महीने अगर आप पैसा डालेंगे तो उस हिसाब से आप अपना मेच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पे आपको टोटल डिपॉजिट अमाउंट मिल जाता है पंद्रह साल में आप दस हजार के हिसाब से टोटल कितना डिपॉजिट करेंगे अठारह लाख करेंगे आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा आपके मेच्योरिटी अमाउंट में से यह वाला अमाउंट घटा दिया आपने तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आपको इतना मिल जाएगा तो अगर आपने अभी तक पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एक अकाउंट जरूर खोलना चाहिए क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में डेफिनेटली हेल्प करता है क्योंकि यहां पे आपको कोई रिस्क नहीं है और टैक्स फ्री आपको रिटर्न्स भी मिल जाते हैं आपके जितने भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग बच्चों की एजुकेशन मैरिज कोई सीरियस इलनेस के लिए आप अगर कोई फंड बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जिससे वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं आप फ्यूचर वीडियो के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तब तक सीखते रहिए कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए